नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अरोड़ा बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शन पे। तो दोस्तों बहुत ही शानदार लग्जरी 3 BHK का फ्लैट आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ, विद लिफ्ट, विद कार पार्किंग, नियर बाय मेट्रो स्टेशन। डिस्टेंस की बात कर लूँ तो मात्र 500 से 700 मीटर का डिस्टेंस होने वाला है। लिफ्ट मिलने वाली है, गाड़ी पार्किंग मिलने वाली है, अप टू 90% लोन इस बिल्डिंग पे इजीली अप्रूव्ड हो जाएगा। शर्तिया आपकी प्रोफाइल बढ़िया होनी चाहिए। और दोस्त बार बार बताऊंगा यार कि ये मेरी पहली वीडियो ऐसी है जो मैं एक ही टेक में देने वाला हूँ, वो भी तीन फ्लैट, तीनों के तीनों 3 BHK, जिसमें 2 L कॉर्नर है और एक सिंगल वाली साइड का है। मतलब 2 L कॉर्नर का मतलब हो गया 3 साइड की बिल्डिंग है, पूरी की पूरी। लिफ्ट है, कार पार्किंग है, लॉन अप्रूव्ड है, 2 टाइम दिल्ली जल बोर्ड का मीठा पानी है, 24 घंटे समझकर की सुविधा अवेलेबल है, 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी है। और अगर आप थोड़ा सा तड़क झड़क देख रहे हो कि यार वॉलपेपर बहुत बढ़िया है, शीशे लगे होने चाहिए और ये वो, जैसे आप आजकल और फ्लैट्स की वीडियो देख रहे हो जिसमें सोफे बेड ये वो सब लगा होता है, वो इसमें थोड़ी सी कमी है। अदरवाइज लोकेशन की बात कर लें, लोगों का रहन सहन बात कर लें, बिजली पानी हर चीज़, मतलब पूरा फ्राइडे मार्केट में ये फ्लैट है। शुक्र बाजार लोकेशन है, उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन से मात्र 500 मीटर के डिस्टेंस पे, बहुत अच्छी लोकेशन है, 3 साइड की बिल्डिंग है। वीडियो करता हूँ स्टार्ट, तीनों फ्लैट दिखाता हूँ इसी वीडियो में। तो दोस्तों ये एंटर करते हैं अपने 3 BHK के फर्स्ट फ्लैट में। और थोड़ा सा चाहूंगा यार, सबसे पहले जो आपको बताया ना, इसमें तड़क झड़क इतनी नहीं है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार लाइटें चमक दमक बहुत हो, शीशे लगे हो, तो ये सब चीज़ें नहीं है। लेकिन लोकेशन वाइज और फ्लैट की बनावट में कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और साइज फ्लैट का बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि एल टाइप है, 110 गज है, तो समझ लो। पीछे जाके यार चाहूंगा थोड़ा स्पेस दिखा दो यार एक बार। तो देख रहे हो ये लिविंग एरिया का साइज है, बहुत ही शानदार एल टाइप का, इजीली सोफा आ जाएगा, सेंटर टेबल लग जाएगी, 2 पफी लग जाएगी, एक यहाँ पे डाइनिंग टेबल रखने की भी जगह है, सामने किचन है, अभी वो भी दिखाता हूँ। इस साइड पे एक LED पैनल लगा हुआ है। और दोस्तों तीनों फ्लैट की वीडियो एक ही में शूट करनी है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करूँगा यार, थोड़ा समझने की कोशिश करना। यहाँ से भी चाहूँगा पीछे जाकर एक बार स्पेस अच्छे से दिखाया जाए। तो बढ़िया शानदार स्पेस मिल रहा है आपको, बहुत ही शानदार स्पेस है। ऊपर आप देख सकते हो बढ़िया फॉल सीलिंग हो रखी है, पूरी S शेप के अंदर पूरी की पूरी फॉल सीलिंग हुई है, कोब लाइट, सीलिंग लाइट, ये सब चीज़ें इंक्लूड है। सीलिंग फैन और एक शैंडलियर आपको इसमें ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। नीचे जो है टाइल्स लगी हुई है, बहुत ही विट्रीफाइड डिजिटल टाइल्स लगी हुई है, स्क्रैचलेस टाइल्स होती हैं, कहीं कहीं सालों तक कहीं नहीं जाती। सामने किचन प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरी की पूरी यू शेप की किचन है। आजकल एक नैनो पत्थर चल रहा है डबल मोल्डिंग के अंदर करा के, वो लगाया हुआ है इस पर, वाइट एंड येलो कलर का कलर कॉम्बिनेशन दे रखा है। एक एक 1.5 इंच की लाइट्स कटी हुई हैं, इस तरह के कुछ हाइड्रोलिक वर्क करा हुआ है, आप अंदर देख सकते हो। यहाँ पर आप अपना वैसे RO भी लगा सकते हो, क्रॉकरी वगैरह रखना चाहे वो भी रख सकते हो इस तरह का। सैनिटरी फिटिंग्स मैंने अभी तीनों फ्लैट्स में नहीं करी, तीनों में करके दूंगा, एक सिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड करी जा रही है। इस तरह के कुछ ड्रॉर्स होने वाले हैं, मैं चाहूँगा थोड़ा सा पास आके एक बार दिखाया जाए। इस तरह के कुछ ड्रॉर्स होने वाले हैं, मैं तीनों को बंद करूँगा और आप देखना कोई आवाज़ नहीं आएगी, ऑटोमेटिकली तीनों बंद हो जाएंगे, सारा का सारा हाइड्रोलिक फिटिंग इसमें लगा हुआ है। तो इस तरह के ड्रॉर्स होने वाले हैं, नीचे यहाँ पर आप अपना डस्टबिन लगा सकते हो ईजिली। तो यहाँ पर आप अपना जो है आटे वगैरह का ड्रम रख सकते हो, इस तरह अंदर दिखा दो एक बार भाई, यहाँ आप अपना सिलेंडर वगैरह रख सकते हो। तो हर तरीके से यू शेप की किचन बहुत ही शानदार इसमें डिज़ाइन करके दी हुई है तीनों फ्लैट में। ये फ्लैट थोड़ा सा मैं डिटेल में बता रहा हूँ, बाकी दोनों फ्लैट जल्दी जल्दी बताऊँगा आपको, ताकि सारी चीज़ें एक बार कवर हो जाए। फ्रंट साइड पे दोनों रूम है, दोनों रूम से बालकनी है। जो बाकी दोनों फ्लैट हैं वो दोनों एल टाइप के हैं, उसके तीनों तीनों रूम्स में बालकनी है, तो वेंटिलेशन से रिलेटेड तो कोई दिक्कत होएगी नहीं। तो सबसे पहले इस रूम में चलते हैं, क्योंकि यह मास्टर बेडरूम। एंट्री करेंगे, बैक वॉल पे कस्टमाइज वॉलपेपर मिलेगा, बाकी किसी भी फ्लैट में वॉलपेपर नहीं लगा हुआ, चेंज कराना चाहो चेंज भी करा सकते हो, सैंपल फ्लैट है। इस तरह के कबर्ड्स मिलेंगे आपको, वार्डरोब्स वगैरह अपनी लाना चाहे नहीं लाना चाहे इच्छा अनुसार देख सकते हैं। अंदर भी सारा सनमाइका लगा हुआ है, कोई इसमें पेंट वर्क नहीं हुआ। शानदार फॉल सीलिंग हो रखी है पूरे सारे के सारे रूम्स में। और साइज़ देख लो भाई एक बार, बढ़िया साइज़ प्रोवाइड हो रखा है। एक वॉशरूम अटैच दे रखा है इधर, ये देखो तो बहुत ही बढ़िया साइज़ का वॉशरूम अटैच हो रखा है। इधर वॉल हैंगिंग सीट की प्रोविज़न है, डाइवर्टर फिटिंग्स की प्रोविज़न है, एग्जॉस्ट की भी प्रोविज़न है। तो इस तरह का कुछ होने वाला है। LED पैनल इंस्टॉल करके दिया हुआ है, दोनों तीनों रूम्स में LED पैनल है, लिविंग एरिया में LED पैनल है, सारी चीज़ें करके दी हुई है। और इसी के साथ साथ थोड़ी सी लाइट में दिक्कत हो सकती है, ये बालकनी का स्पेस है, आओ दिखा देता हूँ भाई। तो ये हमारा है बालकनी का स्पेस, यहाँ तक बालकनी है, अप टू रूफ टाइल्स वगैरह लगी हुई है। इसी से दूसरे रूम में चलता हूँ, आइए। तो ये रूम में भी एंटर करते हैं, इसमें भी कस्टमाइज वॉलपेपर लगा हुआ है इस वॉल पे। AC की प्रोविज़न उस रूम में भी है, इस रूम में भी है, विंडो AC की, स्प्लिट AC की प्रोविज़न नहीं है, तो विंडो AC की प्रोविज़न करके दी जा रही है। वार्डरोब इस रूम में भी एक प्रोवाइड हो रही है, देखो
इस तरह की वार्डरोब इस रूम में भी आपको प्रोवाइड करके दी जा रही है। शानदार फॉल सीलिंग हो रखी है ऊपर, मतलब कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ना भाई बहुत बढ़िया हो रखी है, लोकेशन बहुत बढ़िया है और थ्री साइड बिल्डिंग है तो आप समझ लो यार कि क्या बढ़िया स्पेस निकल के आया है। LED पैनल इंस्टॉल करके दिया हुआ, वुडन एंड वाइट कलर का कलर कॉम्बिनेशन दे रखा है पूरे के पूरे घर में। थोड़ा सा यहाँ आ जाइए, ये लिविंग एरिया के साथ एक वॉशरूम और अटैच है। तीनों 3 BHK में दो दो वॉशरूम्स है, अप टू रूफ टाइल्स लगी हैं, बीच में जो है गोल्डन कलर की पाइपिंग्स लगाई हुई हैं ताकि इसकी ब्यूटी और बढ़ जाए। यहाँ पर सीट्स वगैरह का प्रोविजन है, इस साइड पर डाइवर्टर्स फिटिंग दे रखी है, थोड़ा सा एल शेप में वॉशरूम है, तो ये स्पेस होने वाला है वॉशरूम का। कंटिन्यूटी में ही चलते हैं, आइए तो ये हमारे दोनों रूम्स दिखा दिए मैंने आपको, वॉशरूम दिखा दिया लिविंग एरिया का, ये किचन दिखा दी, ये लिविंग एरिया का पार्ट है, ये हमारा थर्ड और फाइनल रूम है। तो इसमें भी एंटर करेंगे, इसमें भी जैसे मैंने आपको कहा है कि तड़क झड़क कुछ नहीं है भाई, लेकिन स्पेस ज़रूर दिखाऊंगा, बढ़िया स्पेस मिला हुआ है, शानदार फॉल सीलिंग हो रखी है, AC की डक्टिंग करवाई हुई है इसमें, पहले करवानी भूल गया था तो अब करवाई है मैंने, देख रहे हो आप, थोड़ा थोड़ी मेरे को ही करनी पड़ेगी, तो ध्यान रखना जहाँ भी आपको विंडो AC का प्रोविजन ना मिले स्प्लिट AC का प्रोविजन ज़रूर होना चाहिए। तो इस तरह का सारा होने वाला है। एक ही LED पैनल मैं आपको दिखाई चुका हूँ, अब लेकर चलता हूँ बाहर सेकंड फ्लैट की ओर। जीना एक बार दिखा देता हूँ यार, जीना सारा का सारा पत्थर लगा हुआ है ये देख सकते हो। इसी के साथ यहाँ पर जो है स्टेनलेस स्टील की सारी ग्रिल लगी हुई है, ये MCB बॉक्स है सेकंड फ्लैट का। तो यहाँ भी एंटर करेंगे, एक बार गेट पर नज़र मार लीजिए, 8 फीट की आई गेट है, वुडन सारी सरमाइका लगी हुई है। इसका लिविंग एरिया उससे भी बड़ा है भाई, वो थोड़ा वहाँ जाके एक बार स्पेस दिखा दो, तो शानदार लिविंग एरिया का स्पेस, मतलब देख रहे हो आपने कोई भी ऐसी वीडियो में इतना स्पेस देखा है लिविंग एरिया का, बढ़िया लिविंग एरिया का स्पेस मिल रहा है, बढ़िया फॉल सीलिंग ऊपर हो रखी है, AC की डक्टिंग प्रोवाइड हो रही है क्योंकि विंडो AC का प्रोविजन नहीं है। एक वॉलपेपर मैं आपको इसमें लगा कर दूंगा और फॉल सीलिंग में कोब लाइट सीलिंग लाइट्स को ये सब चीज़ें इंक्लूड है, फैन और शैंडलियर मैं आपको लगा कर दूंगा। LED पैनल यहाँ पर बना हुआ है, डिटेल में नहीं बता रहा आप, सिर्फ साइज और नक्शा दिखा रहा हूँ आपको। अंदर एंट्री करते हैं, ये हमारा फर्स्ट रूम, स्पेस देख लिया, आ जाइए, ये है हमारी फर्स्ट रूम के साथ बालकनी, ये पूरी लंबी बालकनी है, ये वाली गली पतली है, जो दूसरा तीसरा फ्लैट है वो गलियां दोनों की दोनों चौड़ी है। तो यहाँ से भी बाहर निकलते हैं, आइए बाहर निकलते ही ये आ जाते हैं किचन में, पूरी की पूरी यू शेप की किचन, जैसे कि बताया था सारा हाइड्रोलिक वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, सारा का सारा किचन वही है सेम बिल्कुल। अब आते हैं इधर, इस साइड पे यहाँ पर एक वैनिटी मैं लगा कर दूंगा क्योंकि ये है वॉशरूम। फर्स्ट रूम आपको दिखा दिया जिसके साथ बालकनी कनेक्टी, ये सेकंड रूम है और ये थर्ड रूम है, इनके साथ भी बालकनीज है, ये यहाँ से लेकर चलता हूँ। तो इस रूम में भी एंटर करेंगे, एक मिल रही है आपको वार्डरोब, ये देखें इस तरह की, सारा हाइड्रोलिक लगा हुआ है, छोड़ने वोड़ने पर कोई आवाज़ नहीं आएगी, स्पेस आप एक बार देख लो, बढ़िया स्पेस प्रोवाइड हो रहा है। एक वॉशरूम इसके कनेक्ट है, इसके अंदर मैं आपको लेकर नहीं चल रहा, दिखा चुका हूँ क्योंकि चलो दिखाई देता हूँ। यहाँ पे जो है वॉल हैंगिंग सीट हो गई, डाइवर्टर फिटिंग हो गई, अप टू रूफ टाइल्स हो गई, एग्जॉस्ट वगैरह जो हर चीज़ जो एक उसमें लगता ही है। इसके बाद ये हो गया LED पैनल, अब आपको बालकनी से दिखाता हुआ सामने देख लो भाई, दुकान भी है बढ़िया क्वालिटी बेकर्स आओ दिखाता हूँ। तो ये आ गए बाहर, सामने देख लो क्वालिटी बेकर्स मिल रहा है, बेकरी बेकरी सब, नीचे आप देखोगे पूरी 35 फुट की रोड आपको प्रोवाइड हो रही है। अभी सारी मार्केट, आज फ्राइडे मार्केट है, सारी की सारी मार्केट लगने वाली है इसमें, तो ये आपको मिल रहा है। ये सेकंड थर्ड रूम में आ जाते हैं, इसके थर्ड रूम में भी एंटर करेंगे, एक वार्डरोब यहाँ पर भी प्रोवाइड हो रही है, बढ़िया फॉल सीलिंग हो रखी है, ऊपर देखेंगे शानदार LED पैनल यहाँ प्रोवाइड हो रहा है और इसमें विंडो AC की जगह है, तो विंडो AC यहाँ पर आपका लग जाएगा, इसमें फैंस वगैरह वो सब चीज़ें इंक्लूड दूंगा, तो उसकी टेंशन लेने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक वॉशरूम हो गया, इसकी डिटेल नहीं बता रहा, और सीधा लेकर चल रहा हूँ आपको थर्ड फ्लैट में अपने, तो आइए अपने थर्ड फ्लैट की ओर चलते हैं। तो यहाँ से बाहर निकलेंगे, ये हो गई हमारी लिफ्ट, लिफ्ट में अप टू रूफ टाइल्स लगी हुई हैं, इसी के साथ आइए, ये हमारा है थर्ड फ्लैट जिसमें तीनों ही रूम से बालकनी और तीनों ही रूम से बालकनी चौड़ी सड़कों पे, तीनों ही चौड़ी सड़कें हैं। तो एंट्री करेंगे, बढ़िया स्पेस है इसमें भी भाई, देख रहे हो फुल, मतलब बढ़िया स्पेस है इसमें, डाइनिंग टेबल भी आपका 6 सीटर आ जाएगा और कम से कम 10 सीटर सोफा भी आ जाएगा। LED पैनल अप टू रूफ तक बना हुआ है, नीचे जो है ड्रॉर्स वगैरह इसमें दिए गए हैं, बढ़िया फॉल सीलिंग हो रही है, तीनों ही ड्राइंग रूम में सेम फॉल सीलिंग हुई है। किचन में भी देखोगे ये फ्रिज का स्पेस है अलग से दिया हुआ है,
शेल्फ व्हाइट कलर की नैनो पत्थर डबल मोल्डिंग के साथ यू शेप की पूरी किचन जैसे सब में है। और तीनों ही किचन में चिमनी भी लगा कर दूंगा, उसके साथ साथ वेंटिलेशन के लिए विंडो भी है। तो मतलब वेंटिलेशन से ना कोई दिक्कत ही नहीं है 3 साइड की बिल्डिंग में, ये फ़ायदा होता है। तो वो रूम लास्ट में दिखाता हूँ, सबसे पहले फर्स्ट रूम में लेकर चलता हूँ आइए। तो फर्स्ट रूम में एंटर करते हैं, सबसे पहले वार्डरोब, इस साइड पे वार्डरोब मिल रही है। ऊपर जो है फॉल सीलिंग, शानदार फॉल सीलिंग प्रोवाइड हो रही है। इसी के साथ यहाँ इस साइड पे आपको वॉशरूम मिल रहा है। वॉशरूम में आपको अभी सिर्फ एक नज़र मार लीजिए, देखिए। अच्छा, इसमें एसी की फिटिंग नहीं है, विंडो एसी की, तो स्प्लिट एसी की प्रोविजन करके दी जा रही है। और दोस्तों बार बार बोल रहा हूँ, किसी से भी रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए हो, स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है 9266925225, 9266925225, तो आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी पूछ सकते हैं, ले सकते हैं बेहिचक कॉल करके। प्राइस पूछना हो, लोकेशन प्रॉपर पूछनी हो, प्रॉपर डिटेल्स पूछनी हो, बनावट में क्या लगना है, सैनिटरी में क्या लगना है, लोग कैसे रहते हैं, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ बता दूंगा। LED पैनल लगा हुआ है, बालकनी से सीधा सेकंड रूम में लेकर चलता हूँ। तो ये बालकनी है, नीचे बाजार लगना शुरू हो गया भाई, थोड़ा नीचे का दिखाना ज़रा। ये बाजार बाजार लगना शुरू हो गया, ये पूरा शुक्र मार्केट लगेगी यहाँ पे, शुक्र बाजार है, फ्राइडे मार्केट। ये बालकनी का स्पेस हो गया, स्टेनलेस स्टील की ग्रिल लगी हुई है, अप टू रूफ जो है बालकनी वगैरह में टाइल्स लगी है, वॉशिंग मशीन की जगह दे रखी है। तो ये सेकेंड रूम में एंटर करते हैं, इधर भी एक वार्डरोब, बढ़िया फॉल सीलिंग, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा चलते हैं आगे। एक वॉशरूम इधर, ये कॉमन वॉशरूम है, अटैच वॉशरूम मैं आपको दिखा चुका हूँ। और अब आते हैं लास्ट रूम में, ये लास्ट रूम के भी मैं अंदर नहीं जा रहा, यहीं से नहीं चलते ही हैं, बालकनी भी है वो। तो ये लास्ट रूम है, यहाँ से भी एंटर करी एक बार, यहाँ से भी बालकनी आप दिखा दो। तो दोस्तों अब मैं करता हूँ वीडियो को एंड, ये था हमारा 3BHK का फ्लैट, इधर आ जाओ। ये था हमारा दोस्तों 3BHK का फ्लैट। बार बार बोलूँगा यार कि आप सोच रहे हो चमक धमक ये वो सब, बहुत ही कम पैसों में दोबारा मतलब हो भी जाता है, आप अपने आप से भी करा सकते हैं, कहोगे तो मैं भी करा दूंगा। आप अगर इस फ्लैट को देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, इसकी लोकेशन देखिए, प्राइस देखिए, 3 साइड बिल्डिंग है ये देखिए, मेट्रो से कितनी पास है ये देखिए, पानी बिजली देखिए, 2 टाइम दिल्ली जल बोर्ड, मीठा पानी है, 24 घंटे समलसीवर सुविधा अवेलेबल है, और 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी भी अवेलेबल है। तो ये सब चीज़ें देखिए और तब मुझे नीचे देखें, उस पर कॉल करें, तब मैं आपकी कराऊंगा दोस्तों विजिट बुक। अब मैं करता हूँ इस वीडियो को एंड। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा 3BHK का लग्जरी फ्लैट? फ्लैट से रिलेटेड कोई भी जानकारी, कोई भी डिटेल चाहिए हो, जैसे एरिया, पानी या प्राइस खासकर, तो नीचे देखकर उस पर कॉल कर सकते हो और अपनी विजिट भी बुक करा सकते हो। साथ ही बता दूं, वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। अब आपसे लेता हूँ अलविदा, थैंक यू सो मच।